यूपी कलेक्शन शाजा मार्केट जाटवपुरी चुंगी फिरोजाबाद लेडीज जेंट्स किड्स वेयर एंड वूलन हॉजरी आरिफ भाई एसपी कलेक्शन AIMIM जिला सचिव फिरोजाबाद मोबाइल नंबर 7453078794। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद टूंडला में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने टूंडला में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, तो वहीं अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही बता दें, इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सांसद जी, आज आप टूंडला आए हैं, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है, और इसी कार्यक्रम के तहत मैं अलग अलग विधानसभाओं में, जिलों में जा रहा हूँ। आज टूंडला और कल फिर आगरा में कई विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम हैं। उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार चल रही है, एक नई राजनीति के लिए लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल के प्रति, जिसमें हम फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और किसानों को फसल का दाम, इन 5-6 मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। और जो 4.5 साल की नाकामियां रही आदित्यनाथ सरकार की, उसके खिलाफ भी लोगों को लामबंद कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के प्रति जनता अपना जो प्यार और आशीर्वाद दे रही है, 22 के चुनाव में भी हमें दिखेगा। तो आगामी 22 के चुनाव में क्या आप पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। हम तो पहले 1 साल पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे 2022 के। तो क्या किसी के गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? उसका फैसला जब होगा तो बताएंगे, अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं। अच्छा, जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बिल पास हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? जनसंख्या नियंत्रण में क्या है कानून में, उसमें वो लिख रहे हैं कि MP MLA का चुनाव 3 बच्चे से ज्यादा हो तो रेप लड़ सकते हो आप, लेकिन प्रधान का नहीं लड़ सकते, BDC का नहीं लड़ सकते, सभासदी का नहीं लड़ सकते, पार्षदी का नहीं लड़ सकते, चेयरमैन का नहीं लड़ सकते, मेयर का नहीं लड़ सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख नहीं लड़ सकते। ये कौन सा कानून है? अरे भाई, आदर्श ऊपर से स्थापित होता है ना। मैं तो एक सांसद हूं, मैं तो कह रहा हूं 3 बच्चे से ज्यादा जिस सांसद विधायक के हों, उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोको, कानून में लिखो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। MP MLA लड़ सकते हैं, प्रधान नहीं लड़ सकते, ये कौन सा कानून है? जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनना चाहिए, लेकिन उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। ऐसे तो मजाक बना रहे हो आप, कानून क्या बना रहे हो?